नमस्कार आदाब, कैमरामैन साजिब खान के साथ मैं हूं गुलजार अहमद। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। आज हम जनपद मैनपुरी के उपनगर अलीपुर खेड़ा में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि 2019 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली की गद्दी पर कौन होगा दिल्ली का सुल्तान। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है। तो आइए सीधे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन आसीन होगा। क्या मोदी जी अपने 5 साल में करे गए विकास कार्यों को लेकर वापस सत्ता में आएंगे या फिर कोई दूसरा चेहरा सामने आएगा, जी बताएं। देखिए, अब की बार जो है ये तो तय है कि बीजेपी सरकार केंद्र में सरकार जो है नहीं बनने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे इससे पहले कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है और उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि वो अपना जो है विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए आए। उन्हें कोई प्रत्याशी ऐसे ढूंढे नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन के लिए जो वो लड़ें, कोई कैंडिडेट उन्हें इस समय नहीं मिल रहा है। और आज ये स्थिति है कि हमारे मैनपुरी के अंदर नेताजी की जीत बहुत ही जो पिछली 3.5 लाख से थी अब की बार जो है 7 लाख से ऊपर होने वाली है, क्योंकि यहाँ बात नेताजी की जीत की नहीं, यहाँ बात हो रही प्रधानमंत्री की, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन आसीन होगा। हमारा पिछले 5 साल का जो कार्यकाल मोदी जी का पूरा हुआ है, मोदी जी ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, किसानों को 2,000 रुपए भी दिए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं, इसके बारे में क्या कहना। देखिए, जो अब की बार सरकार केंद्र में होने वाली है वो जो है सबसे पहले ये इलेक्शन होगा, उसके बाद जो सीटें हमारा जो गठबंधन हुआ है और ये बिल्कुल जो है क्लियर है कि सत्ता जो केंद्र की है वो यूपी से होकर के ही जाती है। हमारा जो है गठबंधन वो 70 से 75 सीटें लाएगा और जिस तरफ से जो है हमारा गठबंधन आगे सीटें लेकर के देखेगा और जो विपक्ष में जो है और सीटें लेके आएगा उसी के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जी क्या कहना है आपका? हमको अब ये कहना है कि हमारे यहाँ सत्ता पक्ष अब से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी जब सरकार गठबंधन जब 23 मई बाद जब हमारा गठबंधन आ जाएगा उसके बाद हमारी जब पार्टी बैठेगी, हमारे सांसद लोग बैठेंगे तब उससे हम लोग विचार करेंगे। क्या पिछले 5 साल में मोदी जी ने कोई विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य नहीं करा पाया? मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाले, अब तक खाते में किसके खाते में आ गए बताओ? शौचालय बनवाए, कोई शौचालय बनवाए बताओ, कहाँ बनवाए, कितने शौचालय बने? ये स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन अभियान चलाया है, उजाला गैस योजना चलाई है, हमारे यहाँ मैनपुरी में आप देख लीजिए कहीं कुछ नहीं चला, अभी मैं दिखा रहा हूँ चल के। उसके साथ साथ में मोदी ने मेरा आरक्षण ले लिया बैगबट का, जबकि मेरा आरक्षण 51% था, हमारा 49 रहेगा, 10% मेरा काट लिया जी। जंगल मेरा ले लिया पूरा, हमको बैगबट वालों को हमको जंगल में नहीं लिया जा रहा है। और हमारे लोग जो अब हमको सबको कुल मिला के हमको हमके वो बीसी में हमको डाल दिया, अब बीसी में हमको जो मिलेगा वो मिलेगा, जनरल में हमको पूछा नहीं जा रहा है, जनरल में हमको जो है कतई बैगबट को पूछा नहीं, जनरल में डाल दिए जाते हैं हाई कास्ट वाले, हम लोगों को तो किसी ने पूछा नहीं न किसी ने डालता कोई। क्या लगता है कौन बनेगा इस बार देश का प्रधानमंत्री? सपा बनाएंगे, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, मोदी जी ने 5 साल जो है काम कराए हैं, तमाम योजनाएं चलाई हैं, विकास कार्य कराए हैं, तो क्या मोदी जी दोबारा से सत्ता में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। वजह का अच्छा ही नहीं लग रहा शासन को, शासन अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, मोदी सरकार कई एक मुद्दों पर अपनी विफल रही। जो बड़े मुद्दे थे मोदी सरकार के, एक तो अयोध्या में मंदिर बनवाना, दूसरा मुद्दा था 370 हटवाएंगे हम कश्मीर से, वो आज दिन तक इन्होंने 370 नहीं हटवा पाई, ना तो मंदिर बना सके। जब इनकी सत्ता इधर राज्य में भी थी केंद्र में भी, तब नहीं ये मतलब पूर्ण बहुमत से थी तब नहीं इन्होंने मंदिर बनवा पाया। अब ये क्या कर सकते, अब वही दोनों मुद्दे इन्होंने फिर अपने घोषणा पत्र में जोड़ लिए। जब पूर्ण बहुमत से सरकार होने के बावजूद भी इन्होंने न मंदिर बनवा पाया। लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की कहीं बात ही नहीं कर रही है, अली और बजरंग बली की सिर्फ बात हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें वो रखा है मंदिर भी रखा है, 370 भी रखी, फिर दोबारा दोहराया है वो चीज, लेकिन पहली बार इन्होंने दोहराई। और फिर मुझे अंदाज है, पूरा विश्वास है कि सरकार तो बननी नहीं है बीजेपी की, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। यूरिया की बोरी 50 किलो का कट्टा था, उसमें भी से 5 किलो काट लिया, दाम भी बढ़ा दिए, 5 किलो काट भी लिया। क्या 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 कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं। ठीक है साहब, हमारे यहाँ कोई ना शौचालय बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद में भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया बिल्कुल। हमारे यहाँ बिल्कुल
खरंजा ध्वस्त पड़ा हुआ है, निकलने की जगह नहीं है। हाँ, मोदी जी ने विकास कार्य कराए हैं कि नहीं कराए? नहीं कराए हैं साहब, विकास कार्य नहीं कराए। बिल्कुल शौचालय कोई नहीं बना हुआ है। योजना चलाई है, महिलाओं को गैस बांटी है, गैस बांटी, गैस मिल गई है, लेकिन जीरो बैलेंस में खाते खुलवाए हैं। हाँ खुलवाए, वो खुल गए होंगे, लेकिन उसके बाद में आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ध्वस्त है व्यवस्था। हाँ ठीक है, हम आएंगे आपके पास लौट के। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। मोदी जी के सारे वादे झूठे हैं सर। जितनी सड़कें बनी उन पर अपना केवल बोर्ड लगाते हैं और कुछ नहीं करते। कोई विकास नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य नहीं है। तो 5 साल जो उन्होंने काम कराए हैं, जो शौचालय वगैरह बने हैं और भी तमाम, जो 2,000 रुपए किसानों को दिए हैं, वो 2,000 रुपए दिए किसानों को, बेइज्जती की किसानों की। 2,000 रुपए लायक हुए किसान, क्या वो तो बेइज्जती कर दी किसानों की, सारे बेइज्जती कर दी। जी क्या कहना चाहेंगे। भाजपा वालों ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। भाजपा ने जितने वादे किए वो सब पूरे किए, और उनके बाद एक उन्होंने कहा किसान को साले को रखेंगे ही नहीं, तो गैया ढिलवा दें। अच्छा। और जो 2,000 रुपए दे या बाकी बात, ये सब जो शौचालय वौचालय दे, किसी को दिए किसी को नहीं दिए, 2,000 रुपए वो कैसे आधे को आए और आधे से ज्यादा कोई आए ही नहीं। लेकिन सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए जगह जगह गौशालाएं भी खुलवाई हुई है। तो मैनपुरी में खुली था, 1 करोड़ रुपए हर महीना आता है, गाय हमारे यहाँ सब गई, गई खेत खा रही, गई खेत खा रही। हाँ कम से कम हमारी 2 बीघा मूंगफली थी, सब खत्म कर गई। और हम आपका पहले आलू थे, आलू सब खा ले गए थे, और हम तो वहाँ तमाम दाने बैठे, हमें क्या मिला, जो 2,000 रुपए थी वो भी नहीं मिले। क्या लगता है मोदी जी की वापसी होगी या नहीं? हम तो कहते मोदी जी कभी नहीं आए, जब तक जिंदा रहे तब तक नहीं आएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप। हाँ सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, और अंतर नहीं होना चाहिए। ये जो है पार्लियामेंट में जो नियम बनाते हैं उन्हें जमीन पर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, और जो है मतलब कई वादे किए और वादे जो है कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दिए। तो कहने का मतलब जो है कि ये नीति बने तो सही बने, और जैसे अखिलेश ने नीतियाँ बनाई वो सड़क पर दिखाई नहीं, जैसे 100 नंबर है, एम्बुलेंस है, ये इससे मतलब पब्लिक का भला हुआ। और बाकी इन लोगों ने तो मतलब पता नहीं कि कितनी कितनी बातें की, लेकिन जमीन पे कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप। सर हमें तो मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी बनेंगे? हाँ। क्यों मोदी जी क्यों बनेंगे? अरे साहब बिन्ने तो दुनिया को काम कराए डारो। अच्छा। हाँ जैसे 2 काम बताइए हमको। अरे 2 काम सड़कें बनवाए दे, शौचालय बनवाए दे, और अरे गैया ना ढीली, गैया तो हमने तुमने ढीली, गैया को उनने ढीली, गैया तो तुमने ढीली, हमने तो दोनों ढीली है। और जो है 2,000 रुपया 2 किस्तें दे दी। 2 किस्तें दे दी। और का ये 2 किस्तें कब दी है किसान को? 1 महीना पहले। 1 महीना ना, साल सरकार के कट गए जब 12 तारीख को दी, और एक और दे दी। 5 साल सरकार के कट गए, इससे पहले कहाँ थे? उससे पहले आते का पैसा समय देते बांटते, और कहा करते थे। ठीक ठीक, और आएंगे आपके साथ, हम हमारे साथ और भी लोग जुड़े, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है इस बार मोदी जी की वापसी होगी। देखिए मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हिंदू मुस्लिम को अली बजरंगली पे लड़ाना चाहते हैं, अगड़ों से पिछड़ों को लड़ाना चाहते हैं। झूठे वादे करके सरकार में 2017-14 में आ गए थे, 15 लाख देंगे नौजवानों को, रोजगार देंगे, कोई भी एक वादा ऐसा नहीं जो धरातल पर उतरा हो। और इनको उत्तर प्रदेश में इस बार अपनी औकात पता लग जाएगी, जो मेरी समझ से जहाँ तक मैं जानता हूँ दुहाई आंकड़े अंकों में भी इनकी सीटें नहीं पहुँच पाएंगी। खुद प्रधानमंत्री बनारस में कितनी रोड शो, कितनी जनसभाएं करेंगे, अभी इसका अंदाजा कुछ दिनों आपको पता लग जाएगा। अच्छा क्या पुलवामा की अभी जो घटना हुई थी उसमें जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पुलवामा के हमले में बारे में कुछ नहीं ज़्यादा कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा राजनीति करना ठीक नहीं रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि भारत इतना कमजोर कैसे हो सकता है, भारत की सीमा में 300 किलो RDX कैसे आ सकता है वहाँ पे आपके, जबकि BSF ने पहले से गृह मंत्रालय को सूचना जारी की थी आप 2,500-3,000 BSF के जवानों को भेज रहे हो, एक छोटा सा नेता हेलीकॉप्टर से जा रहा है, वो जवान सड़क मार्ग से जा रहे हैं, और सड़क मार्ग से जब कोई नेता छोटा सा विधायक तक जाता है सड़कें खाली करा दी जाती हैं, और वो एकमात्र आम इंसान की तरह सड़क पर चल रहे हैं। तो ये भारत सरकार को कहीं ना कहीं जो खुफिया विभाग जो इनकी एजेंसियां हैं उन पर जांच द्वारा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जी। तो आपको लगता है कि इस बार मोदी जी की वापसी नहीं होगी? निश्चित तौर पर मोदी जी की वापसी नहीं हो रही है। मोदी जी की वापसी होगी नहीं होगी? नहीं अभी मोदी जी की वापसी होगी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अरे मोदी जी की हुई है वापसी। मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे जाएंगे? नहीं नहीं आएंगे जाएंगे, नहीं आएंगे। क्या लगता है आएंगे जाएंगे भैया? सत्ता में कोई आएगा नहीं मोदी के अलावा? मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे जाएंगे, ये हम नहीं कह सकते, हमें तो कुछ करो ही ना कहो ना। आपको क्या लगता है मोदी जी की वापसी होगी या नहीं होगी? हमें कुछ ना, हम तो जयकारे सब वापसी हुई, सब आई भट्टा हमारे गांव
आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं हैं और विकास कार्य जो मोदी जी ने कराए हैं, लेकिन धरातल पर मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।